दोस्तों आज मौसम बहुत अच्छा है और प्री मॉनसून बारिश अब मेरे एरिया में शुरू होने वाली है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बारिश से पहले आपको अपने गार्डन के पौधों में क्या ज़रूरी काम कर लेने हैं जिससे उनकी ग्रोथ भी बढ़े उनमें ज़्यादा फूल आएँ ज़्यादा फल आएँ और ये काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि लगभग सभी गार्डन के पौधों में ज़रूरी होता है स्पेशली जैसे आपने गुलाब के पौधे लगा रखे हैं गुड़हल के पौधे हैं या फिर आपने फ्रूट प्लांट में अमरूद या फिर जो है नींबू के पौधे लगा रखे हैं इस तरह के पौधों में ये बहुत ज़रूरी होता है तो इसे आज हम करने वाले हैं बेसिकली आज हम क्या करेंगे ये जो आप सामने देख रहे हैं इन पौधों की करेंगे प्रूनिंग प्रूनिंग पूरी तरह से आपको समझाई जाएगी क्या होती है कैसे की जाती है हार्ड प्रूनिंग सॉफ्ट प्रूनिंग और साथ में इसमें देने वाले हैं खाद खाद में मैं कौन सी खाद दे रहा हूँ तो ये देखिए ये बर्मी कंपोस्ट है जो आज मैं यहाँ पर देने वाला हूँ तो ये दोनों काम से क्या होगा हमारे जो ये पौधे हैं इनकी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है ये हट जाएगी और न्यू ग्रोथ आना शुरू होगी प्रूनिंग करने के कारण और जब न्यू ग्रोथ आएगी तो जो हम खाद देंगे अभी यहाँ पर ग्रो बैग में मिट्टी में तो उस खाद से उसे न्यूट्रिशन मिलेंगे और जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही हेल्दी होगी और उसमें आगे चल के ढेर सारे फूल आएंगे तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपके कोई सवाल हैं कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए यहां देखिए कितने अच्छे पपीते लगे हुए हैं और आप अभी पपीता का प्लांट भी लगा सकते हैं इस तरफ मैं बात करूँ तो कुछ प्रूनिंग मैंने गर्मियों के पहले कर दी थी मतलब गर्मियां शुरू होने वाली थी उसके पहले की थी जैसे आप देख रहे हैं अमरूद तो प्रूनिंग इस तरह से मैंने यहाँ पर की थी प्रूनिंग करने के बाद देखिए ये न्यू ग्रोथ आई है इसी तरह की प्रूनिंग को हम अभी करेंगे तो जो प्रूनिंग होती है वो अलग अलग सीजन की जाती है जैसे सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तब आप कर सकते हैं या गर्मियाँ जब ख़त्म हों और रेनी सीजन स्टार्ट हो तब आप कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छा समय होता है तो अभी का समय है रेनी सीज़न स्टार्ट होने वाला तो बारिश आपके एरिया में भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही बारिश शुरू हो उसके कुछ दिन पहले या तभी आपको प्रूनिंग करनी होती है अब प्रूनिंग करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है और ज़रूरी होता है तो प्रूनिंग करने के लिए आपको एक आ, कटर लेना है एक, एक बेसिक कटर आपके पास होना चाहिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इस तरह से देखिए ये है मेरा प्रूनर और इस कटर में क्या करना है आपको कटर या प्रूनर को पहले तो सैनिटाइज कर लेना है तो देखिए इस तरह से आप रबिंग एल्कोहल या हाइड्रोजन पराक्साइड से इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए क्लीन कर लीजिए थोड़ी देर इस तरह से रख दीजिए इससे क्या होगा कटर में अगर कोई भी वायरस है या किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो दूर हो जाएगा क्योंकि हम अब पौधे की इसी कटर से जो है प्रूनिंग करने वाले हैं तो सबसे पहला काम है आपको ये करना है अब ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़े हैं तो इनकी मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगा मतलब इन्हें थोड़े बेस से काटूंगा सॉफ्ट प्रूनिंग कैसी होती है जैसे आपको ये ऊपर की टिप दिख रही है आपने इस तरह से काट दी है तो इस तरह से ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट करना होता है सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग क्या होती है हार्ड प्रूनिंग में क्या है ये जो आप देख रहे हैं एरिया मैं इसको यहाँ से काट काटने वाला हूँ नीचे से बिल्कुल बेस से ही मैं इसको काट दूंगा ताकि ये फिर से ग्रो हो जाए क्योंकि पिछले साल मैंने इसमें भी सेम प्रूनिंग की थी और आप देखिए गुलाब की हाइट कितनी ज़्यादा है सेम इसी तरह से हम यहाँ पर गुड़ल में भी करने वाले हैं तो गुढ़ल में भी इसी तरह से नीचे से ही हम इसे काटने वाले हैं तो चलिए एक एक प्लांट की प्रूनिंग करना स्टार्ट करते हैं और प्रूनिंग करने के बाद फिर खाद देंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथ में आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रूनिंग करना जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा गुड़हल का प्लांट लगा हुआ है और मैं बेस से ही काटूँगा ज़्यादा ऊपर से नहीं काटूंगा और जो ये कमज़ोर ब्रांच हैं इन्हें आप इस तरह से हटा सकते हैं और जो मैच्योर ब्रांच हैं आप उन्हें रख सकते हैं तो इस तरह से देखिए और इस तरह से प्रूनिंग करते समय बिल्कुल मत घबराइए इससे आपके पौधे को फायदा ही होने वाला है आगे चल के जितनी अगर कोई ब्रांच आपको सूखी मिले तो आपको उन्हें तुरंत हटा देना है जैसे ये देखिए ये वाली ब्रांच सूखी है गुड़हल आराम से कट भी जाता है और इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं कई बार होता क्या है हमारे गुड़हल के पेड़ में या तो कलियां गिरने की प्रॉब्लम आने लगती है या फिर इसके जो ग्रोथ है वो रुक जाती है तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप इस तरह से प्रूनिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा इस तरह से जो कमज़ोर ब्रांच हैं उन्हें आप नीचे से ही काट सकते हैं या जो ब्रांच आपको नहीं रखनी है अंदर की तरफ है तो आप उन्हें भी काट सकते हैं अब आप देखिए हमने लगभग जितनी भी इसमें जो ग्रोथ एक्स्ट्रा ग्रोथ थी वो काट दी है अब मैं आपको थोड़ा सा पास से भी इस प्लांट को दिखाने वाला हूं अभी ये थोड़ी सी बड़ी है तो इसको यहाँ से काट देते हैं ये देखिए तो कुछ इस तरह से हमने जो है इसकी कटिंग कर दी है और ज़्यादातर ब्रांच को देखिए हमने बराबर ही रखा है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ब्रांच है जो कि थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ इस तरह से आप यहाँ पर कट कर दीजिए ये भी थोड़ी सी बड़ी है इसे भी हम यहाँ से कट कर देते हैं तो ये हमने कर दी है कटिंग और जो मैं आपको दिखा रहा था जैसे देखिए ये वाली ब्रांच सूखी है यहाँ से काट देंगे वो अंदर आप देख रहे हैं ये वाली ब्रांच सूखी है तो बिल्कुल इसे नीचे से काट देंगे और जो छोटी ब्रांच हैं पतली हैं कमज़ोर हैं जैसे ये है आप इसे भी काट सकते हैं तो इस तरह से आप काट दीजिए अब गुढ़ल में क्या होता है कई बार बहुत ज़्यादा मिली बग आता है तो मिली बग पहले देख लीजिए कहीं मिली बग तो नहीं है अगर मिली बग हैं तो फिर उन्हें भी आपको साफ़ करना होगा किसी भी शैम्पू को घोल कर साफ़ कर लीजिए या कोई निरमा है उसके पानी से साफ़ कर सकते हैं तो इस तरह से आप मिलीबग को भी यहाँ पर ज़रूर देखिए क्योंकि गुड़हल में मिली बहुत होता है अब हम क्या कर रहे हैं इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे कर रहे हैं क्लीनिंग मतलब कि ये जो पत्ते हैं इन्हें हम कर रहे हैं पहले यहाँ से अलग ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर देने वाले हैं खाद और ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल बेस पर ये उगा हुआ है ये जो ब्रांच आ रही है इसे मैं हटा दूंगा तो इसको हम यहीं से कट कर देंगे नीचे की इस तरह की ग्रोथ को हम नहीं रखना चाह रहे हैं ताकि हमें नीचे साफ़ सफाई रहे नीचे से कोई भी रोग जो है पौधे में ना आए इसलिए हमने नीचे की ये जो ग्रोथ थी उन्हें कट कर दिया है अब इस पौधे में बहुत ज़्यादा रूट हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये देखिए बहुत ज़्यादा रूट हैं तो हम क्या करेंगे इसकी हल्की सी इस तरह से गुड़ाई करनी है हमको किसी भी एक टूल ले लीजिए टूल की मदद से कीजिए देखिए इसमें हमने पहले बर्मी कंपोस्ट दिया था तो ऑलरेडी हुए इसमें ऑलरेडी हैं तो इसकी मिट्टी उतनी हार्ड नहीं है मैं हाथ से ही देखिए इस तरह से मिट्टी को साफ कर पा रहा हूँ और ऑलरेडी बहुत इसमें मिट्टी में कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं है तो हम क्या करेंगे अब हमारा जो ये बर्मी कंपोस्ट है उसको इस तरह से लेंगे और इसी मिट्टी में ऊपर मिला देंगे ताकि हमारे इस पौधे को जो है अब बराबर न्यूट्रिशन जो है मिलता रहे और देखिए अब हम इतना ही मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो ये गमला है वो ऊपर तक भर चुका है तो हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है वरना फिर क्या होगा बारिश में ये जो मिट्टी है वो बाहर फैलने लगेगी तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है अगर आपका गमला ज़्यादा भर गया तो फिर आप ऊपर की मिट्टी को कुछ हटाइए और फिर आप इसको जो है खाद दे दीजिए वैसे अब ये जो हमारा पॉट है ये लगभग लगभग रूट बॉन्ड की स्टेज में है तो हम इसे रिपोर्ट भी कर देंगे जैसे ही अभी बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसे रिपोर्ट भी कर देंगे अभी भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास जैसे बड़ा गमला है अवेलेबल है तो आप इसे अभी भी रिपोर्ट कर देंगे तो इस तरह से हमने दे दिया ये यहाँ पर खाद और ये वाला भी हमें हटाना होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो ये देखिए पहले ये प्लांट कैसा दिखता था अभी ये प्लांट कैसा दिख रहा है सेम ऐसे ही अब हम इस गुढ़ल के प्लांट में करने वाले हैं पीछे भी एक गुढ़ल है यहाँ पर ये जो हमारे गुलाब के पौधे हैं इनमें भी सेम इसी तरह से केयर करने वाले हैं और ये काम आपको ज़रूर करने हैं अपने गार्डन में लगे हुए पौधों में स्पेशली अभी रेनी सीजन में और फिर आप देखिएगा इसका अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ होने वाली है और जो ग्रोथ आएगी उसमें बहुत अच्छे फूल आएंगे और जो ये गुढ़ल की मैंने कटिंग अभी आपको दिखाई है ये काटी हुई है तो इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं नए पौधे बनाकर आप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को तो बड़ा अच्छा तरीका है इस तरह से नए पौधे बनाने का भी तो कटिंग भी लगा लीजिए और जब आप इसकी कटिंग कर देंगे तो जो गुलाब या गुढ़ल की तो बाद में इस तरह से ग्रोथ होगी ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से ग्रोथ आती है और इनकी कटिंग हमने पहले कर दी थी तो अभी देखिए काफ़ी अच्छी ये ग्रोथ है और बहुत अच्छा यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है तो आप भी ये काम कीजिए अपने गार्डन में और अगर आपके कोई डाउट हैं इस तरह से कटिंग को लेकर तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में लिख दीजिए आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग